आगे बढ़ेंगे, जोधपुर की बात करते हैं। जोधपुर से खबर मिल रही है आरएएस प्रियंका विश्नोई की मौत से जुड़ा है पूरा मामला है। आपको बता दें कि आरएएस अधिकारी दिवंगत प्रियंका विश्नोई की मौत से जुड़ा मामला और उच्च स्तरीय जांच कमेटी ने पूरी की है जांच पड़ताल। रात 1:30 बजे जांच पूरी हुई है, आज दोपहर तक रिपोर्ट तैयार होगी। आज शाम तक राज्य सरकार को ये रिपोर्ट जो है दे दी जाएगी। निजी अस्पताल में घंटों तक हर पहलू पर यहाँ पर जांच हुई है। प्रियंका विश्नोई की एडमिशन से लेकर केस हिस्ट्री और कराई गई हर जांच का परीक्षण किया है। अस्पताल द्वारा दी गई दवाइयों से लेकर ऑपरेशन तक की हर पहलू की जानकारी ली गई है। ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण करने के अलावा डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ से भी जानकारी ली गई है। कमेटी के 5 सदस्यों ने अपने अपने पहलू से सवाल जवाब की। पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद टीम जोधपुर से रवाना हुई। तो कई ऐसे पहलू जिनको लेकर सवाल जवाब हुए, 5 सदस्यों ने अपने अपने पहलू से सवाल जवाब किए और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद टीम जोधपुर से रवाना हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है इस वक्त की इस पूरे मामले को लेकर। दरअसल आरएएस अधिकारी दिवंगत प्रियंका विश्नोई की मौत से जुड़ा ये पूरा मामला है। उच्च स्तरीय जांच कमेटी ने अपनी जांच पड़ताल पूरी कर ली है। रात 1:30 बजे ये जो जांच है वो यहाँ पर पूरी हुई है। और इस जांच की अगर बात करें तो देखिए आज दोपहर तक इस जांच की रिपोर्ट तैयार होगी। आज शाम तक राज्य सरकार को रिपोर्ट दे दी जाएगी। दोपहर तक रिपोर्ट तैयार होगी और शाम तक राज्य सरकार को दी जाएगी। निजी हॉस्पिटल में घंटों तक हर पहलू पर जांच हुई। प्रियंका विश्नोई की एडमिशन से लेकर केस हिस्ट्री और कराई गई है हर जांच का परीक्षण। अस्पताल द्वारा दी गई दवाइयों से लेकर ऑपरेशन तक हर पहलू की जानकारी। ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण करने के अलावा डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ से भी जानकारी ली। और ये जो जांच कमेटी है इसके 5 मेंबर्स ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने पहलू से सवाल जवाब किए और जब पूरी तरह से संतुष्ट हुए उसके बाद टीम यहाँ पे रवाना हुई है। और रात को 1:30 बजे जांच जो है वो कंप्लीट हुई है। दोपहर का वक्त काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि आज देखिए ये जो जांच है वो पूरी हो चुकी है, रिपोर्ट यहां पर सौंपी जाएगी। ऐसे में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन हो जाता है क्योंकि आज दोपहर तक ये जो रिपोर्ट है वो तैयार हो जाएगी। रिपोर्ट तैयार होने के बाद शाम को राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर राजीव गौर जुड़ चुके हैं। राजीव, अगर बात करें इस जांच की तो कहा जा रहा है कि रात के वक्त तक ये जांच जो है वो पूरी हो चुकी है, अब जांच रिपोर्ट का इंतजार है और ये भी कहा जा रहा है कि दोपहर तक जांच रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। जानकारी जरा दीजिए जांच को लेकर, जांच रिपोर्ट को लेकर। देखिए जिस तरीके से ये मामला गंभीर रहा उसको लेकर के जोधपुर की जांच कमेटी ने रिपोर्ट अपनी दे दी, लेकिन राज्य सरकार ने एक्शन लेते हुए उच्च स्तरीय कमेटी प्लान की जिसके अंदर 3 एसएमएस के और 2 एम्स जोधपुर के चिकित्सकों को शामिल किया गया। कल रात को 1:30 बजे तक कमेटी ने अपनी जांच पड़ताल की। अब समझा जा सकता है कि कमेटी कल दोपहर को जोधपुर पहुंचने के बाद लगातार जांच पड़ताल, पहले एम्स के अंदर सभी तथ्यों को जो डॉक्टर भारती सारस्वत है कार्यरत प्रिंसिपल, वो जो दस्तावेज है पुरानी रिपोर्ट है उन सबको लेकर के आई, उनका अपना पहलू था, उन सबको जानने के बाद सुनने के बाद मंथन करने के बाद टीम पहुंची निजी अस्पताल जहां जाकर के हर पहलू पे चाहे ऑपरेशन थिएटर की जांच करना हो, जो जो दवाइयां दी गई है, जो जो जांचें की गई है या कौन सी जांचें बाकी रह गई है उन सब पे वहाँ के जो चिकित्सक हैं, वहाँ के जो ऑनर हैं, वहाँ के जो नर्सिंग स्टाफ है उनसे बातचीत की गई, एक एक फाइल चेक की गई है कि किसी का एडमिशन बनता है तो क्या उसको प्रॉब्लम थी, जो उसकी हिस्ट्री थी वो क्या हिस्ट्री थी, उन सबको लेकर के जिस तरीके से कोशिश की गई है। और ऐसे में जो टीम ने अपनी रिपोर्ट है आज तैयार करनी है क्योंकि आज दोपहर तक रिपोर्ट तैयार होगी और आज शाम तक रिपोर्ट सरकार को दी जा सकती है। इस रिपोर्ट के आने के बाद में ये तय होगी कि क्या वास्तव अस्पताल प्रशासन ने कोई लापरवाही की है या नहीं, या किस स्तर पर जो है वो लापरवाही नहीं है और इसको किस तरीके से जो है वो कोशिश करके उस पूरे मामले में इंसाफ कैसे दिया जाए। डॉक्टर प्रियंका विश्व सहायक कलेक्टर थी और ऐसे में समझा जा सकता है कि वहाँ उस अस्पताल में तो कहते हैं कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के कलेक्टर गौरव अग्रवाल जो है वो गंभीर है, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री है गजेंद्र सिंह खीवसर जो है वो इसको लगातार मॉनिटर, गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा भी था कि इंसाफ होना चाहिए, सरकार की गंभीरता इसी से पता लगती है कि 5 कमेटी दोपहर तक जांच रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और राज्य सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। हर एक पहलू पर जो 5 मेंबर्स कमेटी के उन्होंने यहाँ पे सवाल जवाब किए और संतुष्ट होने के बाद जो टीम है वो जोधपुर से यहाँ पर रवाना हुई है।